एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमरस निशि। तो गाइस, आज मेरे साथ कौन है? रूही बसन। आप इनको जानते ही हो, मैंने पहले भी इनकी एक वीडियो अपने चैनल पे शेयर की है। तो आज हम मिलके आपके लिए चैलेंज लेके आए हैं, नो मिरर मेकअप चैलेंज। तो गाइस, ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी और फनी सी वीडियो हमने रूही बसन के चैनल पे शूट की है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ब्लाइंड फोल्डेड गोलगप्पा चैलेंज, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमने यहाँ पे चिट्स रखी हैं। चिट में जो भी आएगा, जो भी लिखा होगा, वो हमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, पर हमने मिरर बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप उठाओ पहले चिट, देखते हैं क्या आएगा। मेरा आया है मॉइस्चराइजर। इनका अच्छा है, मेरा है कंटोर। वैसे भी जब मेकअप हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे मॉइस्चराइजर ही लगाते हैं। मैं कंटोरिंग जो बाद में करते हैं, पहले ही कर रही हूँ बिना मिरर के, वो भी। हाँ, फर्स्ट टाइम बिना मिरर के करना से बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। आप भी ट्राई करके देखना, अगर मिरर नहीं हो तो मेकअप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके, ब्लशर मेरा है हाइलाइटर। मॉइस्चराइजर के बाद में हाइलाइटर आ गया। ये लो, आप हाइलाइटर लगाओ। ओके, तो ब्रशेस कहाँ है पता है? ये हाइलाइटर ओह माय गॉड, मेरी तरफ देख के लगाना। मिरर तो है नहीं, इधर देखना, शायद आंखों में दिखाई देता पर नहीं दिखाई देता। यार, फर्स्ट टाइम ऐसे लगा रहे, बहुत अजीब लग रहा है, कभी लाइफ में ऐसे नहीं मेकअप किया। इधर आओ गाइस, हाय बोल दो। हाय। ये इनकी डॉटर है एलिना, आप जानते ही होंगे, है ना? तो फ्लाइंग किस कर दो, कर दो फ्लाइंग किस। ओह, हम मेकअप कर रहे हैं, आप भी करोगे? ठीक है। चलो, ब्लशर हो गया हमारा। आप तो चमक रहे हो, मैं भी यहाँ। ओके, नेक्स्ट कॉम्पैक्ट आईब्रो। करो आईब्रो। आईब्रो तो पक्का हो जाएंगे, ये पक्का ही हो जाएंगे आईब्रो। कहाँ पे आईब्रो पैलेट? ये रहा। इसमें मिरर है पर मैं नहीं देखूंगी, मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, इसमें कोई मिरर नहीं है गाइस। मैं आईब्रो कैसे सेट करूंगी बिना मिरर के? बिना फाउंडेशन लगाए मैं अपना मेकअप सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से फ्रॉम NYDay। मुझे लगता है मैं आईब्रो की जगह पे कहीं और ही ना लगा दूं ब्लैक ब्लैक कलर। अगर मेरा कॉम्पैक्ट के बाद फाउंडेशन आ जाए तो ओह माय गॉड, मेशी कहाँ पे लगा मेरा? एकदम परफेक्ट जगह पे लगा। माय गॉड यार। पता नहीं मेरा क्या होगा यार, मेरे को लग रहा है मैं तो रावण बन गया। ओह माय गॉड, पता नहीं मेरा क्या होगा। आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना? कमेंट करके बताना कौन कितना सुंदर लग रहा है। गाइस देखो ध्यान से कैसी लग रही है। ओके, नेक्स्ट मस्कारा फाउंडेशन विद फिंगर्स। ओ माय गॉड, NYDay का फाउंडेशन।
और मैं लगाने जा रही हूँ मस्कारा फर्स्ट टाइम विदाउट मिरर. ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला. मैंने पहले ब्लशर भी लगा लिया, कॉम्पैक्ट भी लगा लिया, अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ. और मैं मॉइस्चराइजर के बाद डायरेक्टली हाइलाइटर और ये मस्कारा आईब्रो भी बना लिया मैंने. तो गाइस अभी मैं आपकी आंखों में देख के मेकअप कर रही हूँ. हम दोनों आपकी निशी की आंखों में. ओह माय गॉड यार, फर्स्ट टाइम ऐसा बहुत अजीब लग रहा है. नहीं सही लगा रहे हो, ये सही लगा रहे हो. मेरा देखो कॉम्पैक्ट के बाद ड्राई ड्राई हो गया सारा. ओह माय गॉड. वो भी फिंगर से. निशी तुम्हारे फेस पे तो ऐसे लग रहा है आटा मल दिया किसी ने. आटा लगा पता नहीं कैसे लग रहा, सच में मुझे लग रहा आटा ही लगा. यार मेरा लग गया है शायद. मेरा नीचे तो मेरा नहीं लगा पाऊंगी मुझे लगता है. पर गाइस इन्होंने मस्कारा एकदम परफेक्ट लगाया है. टैलेंट होता है ये जी. नौ मिनट. चलो ओके, मस्कारा भी हो गया डन. सबसे अच्छा वो आईब्रो फिलर जो इन्होंने किया है वो सबसे अच्छा लगा. चलो ये मेरी तरफ खुद ही आ गई है इसको देख. ओह माय गॉड आईलाइनर. आईब्रोज ने तो आधा भूत बना ही दिया और बची बची कसर जो है वो भी ये निकाल देगा आईलाइनर. माय गॉड विंग वाला लगाना. कैसे गाइस फर्स्ट टाइम ऐसे लगा रही हूँ बहुत ज्यादा. ये तो टफ है यार. अब हमें पता चला कि मिरर की क्या वैल्यू है. देखना मेरा भी आई लाइनर आएगा पता नहीं कैसे. ये तो कमाल का लगा रहे हैं, मैंने इनसे भी कमाल का लगा. ओह माय गॉड मैं तो विंग बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन लगता है आई शेडो बन गया. आई शेडो नहीं नहीं विंग बन रहा है. हाँ लग गया. ओके हम लोग मिरर लास्ट में ही देखेंगे और अपनी अपनी शक्लें देखेंगे ना जब मिरर में, तब पता चलेगा. और आप क्या लगे कमेंट लगे बताना. यार तूने लिपस्टिक तो बहुत अच्छी लगा ली है सच में. हाँ सच में यार. लिपस्टिक तो चलो इजी है, वो तो फटाफट से कॉलेज स्कूल में भी लगा लेते थे ना बिना मिरर के ऐसे. ओह माय गॉड मेरी तो शक्ल पूरी रावण जैसी बन गई है अभी. अभी तो और बनेगी जब आई शेडो लगेगा. चलो जी उठाओ. मेरी तो आंखों के पीछे चिट्स पड़ गई है पूरी तरह से. आई शेडो विद पैलेट विद ब्रश. और मैं गाइस फिंगर के साथ लगाना तो बहुत इजी होता है लेकिन ब्रश के साथ बिना मिरर के कैसे लगाऊंगी. अभी ये मेरी आंखों में बार करेगा देखना. काजल अभी हम आईज पे आ रहे हैं बस. गाइस मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ. ओह माय गॉड मैं यार लाइनर के ऊपर कैसे लगाऊंगी. स्मोकी लुक कर लो. माय गॉड कौन सा कलर लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आ.
नहीं आ रहा, क्या लगाऊं क्या छोड़ूं। मैं अभी लगाने जा रही गोल्डन, ये वाला कलर है, पता नहीं कौन सा कलर है ये ही लगाने जा रही हूँ गाइस, ये वाला। ओके, वैसे मुझे लगता है काजल भी इजी है लगाना, और शायद मैं तो पूरी भूत बन गई हूँ आज निशी, मेरा देखना यार तुम्हारा फिर भी ठीक लगा है। अच्छा काजल सच में, ये जो करीना कपूर वाली एड आती है ना एक काजल वाली वो मैंने कह दिया वो लग गया वैसा लग गया मोटा मोटा, मैं तो देखो एक आंख से कानी लग रही ये नई मेकअप गाइस हमारी आंखों को देखो आप कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा मैं अभी मेरा एक साइड कर रखा है, अच्छा चार चांद लगाने वाले बाकी रहते हैं, ये कलर बड़ा सुंदर लगा रहे हैं सच में ब्लैक और वो मिक्स तो नहीं हो गया नहीं नहीं बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ निशी, लेकिन तेरा तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ यार, काजल भी परफेक्ट है, लिपस्टिक भी, लड़की ना बिना मेकअप के लगता है मेकअप करती है नहीं आज फर्स्ट टाइम कर रही हूं मैं भी, पर मुझे लगता है मैं कर लूंगी शायद, चलो तो बना हो। पर इन्होंने आई शेडो और आई लाइनर इतना अच्छा लगाया है ना मैंने भी सीखना है आपसे लगा कंटूर आईब्रो बिना फाउंडेशन के कंटोरिंग की जा रही है मेरी चीज, तो मैंने पहले कंटोरिंग की ब्लशर लगाया फिर फाउंडेशन, बाजी का आज सब उल्टा ही हो रहा है। ओह माय गॉड आईब्रो आईब्रो पैलेट कहाँ पे है ये रहा शायद अभी मैं भी इनके जैसे ही करूंगी आईब्रोस को, कंटोर के लिए ऐसे करना पड़ता है कैसे हाँ ऐसे करना पड़ता दिखाना नहीं जाना ऐसा लग रहा है किसी को थप्पड़ मारा गाइस मैंने पहले कभी कंटोरिंग नहीं की, मुझे ना ही आती है करनी, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ आपके सामने वो भी विदाउट मिरर तो भी देख सकते हो आप कितने अच्छे से कर रहे हैं आई थिंक मेरा आईब्रो पता नहीं कैसा और मेरा देखना कैसा लग रहा है मैंने बता ही दिया मेरे आईब्रोज ठीक है मतलब ठीक हुए या हंस रहे हैं ना, नहीं इतने बुरे भी नहीं लग रहे, ठीक ही लग रहे हैं बस ओके नेक्स्ट श्योर अरे यार फिर से आई लाइनर लिपस्टिक एक्सचेंज कर लेते हैं ठीक है, अब नीचे आई लाइनर लगा के देखी और मैं लिपस्टिक लगा के देखती हूँ मैंने तो देखना लिपस्टिक तो इजीली लग की जाती है मेरे से तो वो भी मिरर के मिला, मैंने कभी वैसे ट्राई नहीं की मुझे ना इनको देखने का बड़ा मजा आ रहा है मैं तो लगाऊ अपना लाइनर तो मेन है हाँ हाँ तुम भी बनो को रावण बन जा तुम भी यार निशी तुम बिना मेकअप के बिना मिरर के कैसे लगा रही हो यार, ओ माय गॉड ये ऐसे कह रही हो पता नहीं कैसे लगा दिया सही तो अब मुझे दिखाई दे से लगाओ लगाओ बच्चे लगाओ मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ नीचे तो खुद ही लग जाएगी इतना मैंने बहुत अच्छा लगाया ये हंस रहे हैं ना ओके बस मेरा भी हो गया लेकिन नीचे एक बात है यार मेरे से तो अच्छा ही लगाया तुमने सच में वो तो देख के पता चलेगा
गाइस मैंने पिंक भी बनाया शायद। वो तो बेटा मिरर लास्ट में देखेंगे, वही बताएगा क्या लगाया, पिंक बनाया कि क्या किया। आज मुझे लग रहा है मैंने परफेक्ट आईलाइनर लगाया। अब हाइलाइटर लगा लिया, उसके ऊपर से कंसीलर लगा के हाइलाइटर फिर से गैप कर देते। आखिरकार हाइलाइटर। अच्छा तो मुझे याद है यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे। सही हाँ, सही। इधर भी एक ट्राइंगल बनाते हैं, पता नहीं कहाँ पे लगाते थे। नोज, फोरहेड थोड़ा सा क्रॉस बना दिया। ओके चिन। चलो गाइस। और इसको मैं ब्लेंड किससे करूँ, फिंगर के साथ के ब्रश के साथ? जिससे मर्जी करो। मैं तो फिर ब्रश के साथ ही होती हूँ, प्रोफेशनल मेकअप वाले बंदे हैं हम लोग। देख आ रही है कि हम जोकर लग रहे हैं। तो तेरा तो पता नहीं, मैं तो पूरी जोकर लग रही हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट है बट सही है। तेरे फेस रिएक्शन से पता चल गया मेरे को, देखो तो सही कैसी लग रही हूँ निशी। बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा अब हंसना नहीं है, अब हंसना नहीं है, बताओ कैसी लग रही हो। ब्यूटीफुल। गाइस मेरे को तो यही याद भूल गया मैंने किधर किधर लगाया था ये। ब्लेंड सारे फेस पे कर देती हूँ। देखना मेरा चमक रहा है फेस। माय गॉड, कुछ ज्यादा ही चमक गया। चमचम कर रहा है फेस। लाइट की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है मेरा ब्लेंड हो चुका है ना। नोज पे, नोज पे आता है। चलो बड़ा अच्छा ब्लेंड किया। हो गया, चलो आगे। कॉम्पैक्ट, अब तो कॉम्पैक्ट हो गया था। मेरा आई शेड हम एक्सचेंज कर लेते हैं गाइस। मेरा आई शेड हुआ है, उसका तो कॉम्पैक्ट हमने ऑलरेडी पहले यूज कर लिया, तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके तो आई शेडो मैं ब्रश लगाऊंगी। इसके ऊपर मिरर है वैसे, लेकिन मैं मिरर को भी सेट कर देती हूँ। ओह इसके ऊपर भी मिरर है। बट मैं मिरर के ऊपर ये रख देती हूँ, ठीक है। हाँ ऐसे करके, और मैं आपके सामने मिरर को इधर मैंने रखा हुआ है। तो मैं गाइस आज करूंगी ब्लू स्मोकी आईज। ओह माय गॉड। तो इसमें से मैं ये वाला ब्लू वाला शेड जो है यहाँ पे ये ले रही हूँ, और मैं तो इस स्पॉन्ज की हेल्प से ही मेरा पूरा फेस अच्छे से कवर हो जाए। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरा आईलाइनर फैल गया। ओह माय गॉड। बेटा अब रहने दो, वैसे स्मोकी आई बन गई है। मुझे ना वो वेट वेट लग रहा था, कुछ हुआ है। मुझे तो ये नॉर्मल मेकअप कम लग रहा है, हैलोवीन वाला मेकअप ज्यादा लग रहा है। चलो वही कर लेते हैं। अच्छा तो मेरी स्मोकी आईज हो गई है। मेरा डर हो गया कॉम्पैक्ट, कुछ ज्यादा तो नहीं लग गया ओवर? नहीं ऑलरेडी सब ओवर है। आई शैडो तो बिल्कुल नहीं। माय गॉड निशी, आई शेडो लगा रही हो कि आईलाइनर को ब्लेंड कर रही हो? थोड़ा बाहर भी कर देते हैं। ओ माय गॉड। हो गया मेरा
स्मोकी आईज। चलो आगे। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। आगे मॉइस्चराइजर। गाइस पूरे मेकअप के बाद मॉइस्चराइजर वो लगाता है। मेरा मस्कारा फिर से आ गया, तो मैं एक बार दोबारा से चीप उठा के देखती हूँ, कोई और वाली टिक करके देखती हूँ। बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। सारा मेकअप मेरा हो गया। नो अब सब कुछ अप्लाई करने के बाद मेरा आ गया है फेस सीरम। मेरा मॉइस्चराइजर और उनका सीरम। वाओ लगाओ लगाओ, सेम सेम। आगे मेरी आंखें इतनी सुंदर लग रही हैं। मेरा मस्कारा है काजल। चलो ये लो काजल, NY बेकअप काजल। मैं कजरारे बनाने जा रही हूँ मैं अपने। और मैं वो स्मोकी लुक लेने लगी हूँ। ये लगता सही लग रहा है। हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, पर ये दिखाई नहीं है। लगता है आंख के बीच में ही ना लगा लो। अभी ये दूसरी करीना कपूर बनने लगी है। आइकॉनिक काजल की हम ऐड देने लगे आज दोनों। तो गहरा काला। माय गॉड। मेरा मस्कारा आईब्रोज तक जा रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, मेरा तो लग रहा है आंख के अंदर लगा रही हूँ ज्यादा काजल। सच में डर लगता है कहीं आंख के अंदर ही ना चला जाए। हाँ ओह माय गॉड, मस्कारा तो अच्छा लग गया निशी, शुक्र है। मेरा काजल कैसा लगा? वाओ सच में अच्छा लगा काजल, सच में है। हाँ काजल सच में अच्छा है। इनकी स्प्रे मेरे तक आ रही है। ऐसा मेकअप तो मुझे लगता है फिक्स करने से और भी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, कहीं परमानेंट फिक्स ना हो जाए। अपनी स्मोकी आई लुक इससे थोड़ी कवर कर सकती है वैसे तुम। हाँ, अच्छा आइडिया दिया आपने।
इन्होंने भी क्रॉस बनाया था ना, बना लिया। अभी हम यूज करेंगे ब्यूटी स्पॉन्ज। गाइस हमेशा बैठ करके यूज करें, साथ में मेकअप ट्यूटोरियल भी। कैसा लग रहा है? सो ब्यूटीफुल निशी, वो तो आपको मिरर बताएगा लास्ट में कैसा लग रहा है। जब ये ब्यूटीफुल कहते हैं ना तो मेरा मिरर देखे और दिल करता है कि मैं मिरर देख लूं बस। बस थोड़ा ही टाइम हो रहा है, बस कुछ टिप्स बाकी हैं, फिर हम मिरर देखते हैं। हो गया होगा ना? हाँ फोरहेड तो रहता है अभी। फेस सीरम मेरा है फाउंडेशन विद फिंगर्स। चलो ये ओके, सारा मेकअप होने के बाद फाउंडेशन और मैं सीरम। मेकअप फिक्सर भी लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। अब तो बागी जा रहा है। सारा फेस ऐसे लग रहा है जैसे किंकी हो गया। पहले कंसीलर, फाउंडेशन, फेस सीरम, ये भी। Oh my God. इनके जो यहाँ पे लाइनर लगा था ना वो कवर हो जाएगा। मेरे अच्छे से ब्लेंड हो रही है फाउंडेशन। हाँ आपके भी सेम ऐसे लग रहा है, आटा नहीं लगाया इन्होंने फेस पे, सेम वैसे लग रहा है। Oh my God. बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमारे लास्ट चिट है जो कि आया है प्राइमर। जो मेकअप में सबसे पहले लगाते हैं तो हम सबसे लास्ट में लगा रहे हैं, तो चलो लगाते हैं प्राइमर। एक और था गया। ये रहा। हाँ। चलो फर्स्ट स्टेप हमारा लास्ट स्टेप बन रहा है गाइस। फर्स्ट लास्ट। तो अभी टर्न है फेस देखने की। पहले आप देखोगे या मैं? पहले तुम देखो। पहले मैं देखो। पता नहीं कैसा आपने तो सारे देखा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी आईज ये तो रावण से भी बुरी लग रही है। और मैंने तो पता नहीं क्या क्या बनाया होगा अभी फेस पे, वो भी पता चलेगा 2 मिनट में। लिपस्टिक ठीक है, आईब्रोज भी ठीक है, बट आई मेकअप ऑसम। आई मेकअप बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने ये लुक कभी ट्राई नहीं की। आप भी देखो। चलो मेरी टर्न है, मैं देखती हूँ कैसा है। फेस तो दिखाई नहीं दे रहा मेरा। सरप्राइज। ओह माय गॉड गाइस, वैसे मेरा आई शैडो काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बहुत ही ज्यादा सेंटर में खाली है, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लाइनर, और ये इधर साइड पे तो रंग बिरंगी बन गई है पूरी। यहाँ पे भी लाइनर लगा इनके। वाओ आईब्रोज तो मेरे बहुत अच्छे फिल हुए हैं यार। मेकअप आर्टिस्ट फेल। ओह माय गॉड, आज तो इस नो मिरर मेकअप ने हम दोनों को फेल कर दिया गाइस। सच में बहुत ही ज्यादा सो फनी वीडियो। बट गाइस आप जरूर ट्राई करके देखिए, आपको कितना मजा आएगा बिना मिरर के मेकअप करने में। अपनी सिस्टर के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर ट्राई करना। तो गाइस सच में एक चैलेंज है बिना मिरर के मेकअप करना, सच में बहुत डिफिकल्ट है। स्पेशल आई मेकअप करना, आई लाइनर लगाना, काजल लगाना सबसे ज्यादा मुश्किल आई मेकअप ही होता है। आई मेकअप बहुत मुश्किल होता है। हाँ तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे बहुत सारे लाइक्स दें, और साथ में हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में गाइस रूही वसंत के चैनल पर ब्लाइंड फोल्डेड गोलगप्पा चैलेंज वाली वीडियो जरूर देखें, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।